नेक्स्ट हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है वो हम पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कौन से पढ़ेंगे? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो मेजर टाइप के टिश्यूज आते हैं, एक है आपका स्केलेटन टिश्यू और दूसरा है आपका वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो आज हम जो टिश्यूज पढ़ने वाले हैं वो है यहाँ पर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है दे आर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में ये आपको मिलेंगे, इसी वजह से इसका नाम रख दिया हमने वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज। अब यहाँ पर ये दो तरीके के टिश्यूज हैं, पहला है यहाँ पर ब्लड एंड दूसरा यहाँ पर लिम्फ। ठीक है बच्चों, तो ब्लड एंड लिम्फ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशली। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड। तो ब्लड को हम बोलते हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को क्या क्या नाम है इसको? एक तो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, दूसरा इसको हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये दोनों ही एमसीक्यू के अंदर कई बार पूछे जाते हैं कि विच टाइप ऑफ टिश्यू इज सॉफ्टेस्ट टिश्यू, हमारी बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू कौन सा टिश्यू है जो कि सबसे सॉफ्ट टिश्यू आता है। तो सॉफ्ट टिश्यू में आता है आपका ब्लड, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में भी ब्लड ही आता है। फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू हम इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर ऑलवेज इन द लिक्विड फॉर्म एंड इट फ्लो इन टू द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, हमारी बॉडी में फ्लो करता रहता है, इसी वजह से इसको हम फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। नाउ ब्लड के अंदर अगर हम बात करें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ब्लड के अंदर भी वही कंपोनेंट्स होंगे जो कनेक्टिव टिश्यू में जनरली होते हैं, बट ब्लड में दो चीजें यहाँ पर जो होती है वो एब्सेंट होती है। पहला है फाइबर्स, ब्लड में फाइबर्स नहीं होंगे, याद रखना। दूसरा, यहाँ पर सेल्स जो है वो मैट्रिक्स नहीं बनाती है, जैसे मोस्टली फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मैट्रिक्स बनाती थी ना, यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स नहीं होते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स जो है वो आउटर साइड से ही आता है, खुद सेल्स नहीं बनाती है। क्लियर? तो ब्लड के अंदर दो पार्ट है, एक होता है इसमें लिक्विड पार्ट, नॉन लिविंग पार्ट। नॉन लिविंग पार्ट को मैट्रिक्स बोल लो या फिर आप इसको बोलो प्लाज्मा। क्या बोलते थे इसको? प्लाज्मा। जो इसका परसेंटेज होता है वो 55% प्लाज्मा का पार्ट होता है, और बाकी का जितना भी पार्ट ब्लड में है वो है फॉर्म्ड सेल्स। फॉर्म्ड सेल्स या इसको ब्लड सेल्स बोल लो या फिर इसको बोल दो आप ब्लड कॉर्पस सेल्स। ब्लड कॉर्पस सेल्स का मतलब होता है दीज आर द ओनली सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज विच आर फ्लोटिंग इन द फ्लूइड। ये हमेशा फ्लूइड में आपको फ्लोटिंग करती हुई मिलेगी, तैरती हुई मिलेगी, स्विमिंग सेल्स। ठीक है, इसी वजह से इसका क्या नाम रखा हमने? ब्लड कॉर्पस सेल्स। नाउ इसके अंदर क्या क्या आता है? ब्लड कॉर्पस सेल्स के अंदर आते हैं आपकी तीन टाइप की सेल्स। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगी आरबीसी, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स को हम बोल देते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स सेकेंड लार्जेस्ट सेल्स इन द ब्लड इज डब्ल्यूबीसी, और इसका जो नेम है वो है ल्यूकोसाइट वाइट सेल्स। क्लियर? नाउ लास्ट प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रो का मतलब रेड, ल्यूको का मतलब कलरलेस, थ्रोम्बो का मतलब प्लग फॉर्मेशन करने वाले सेल्स। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के। तो ब्लड के अंदर अगर हम बात करें, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पर्सन जिसका वेट 70 केजी है उसकी बॉडी में 5.5 लीटर ब्लड प्रेजेंट हो सकता है, और ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। तो 7.4 क्या है? अल्कलाइन या एसिडिक? स्लाइटली अल्कलाइन। कैसा होता है? स्लाइटली अल्कलाइन, 7.4। नाउ अब इसके अंदर हम देखते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, प्लाज्मा किससे मिलकर के बना होता है। तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर 90-92% तक इसमें प्रेजेंट होता है वाटर। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट रहेगा? वाटर प्रेजेंट रहेगा। ब्लड के अंदर पहला कंपोनेंट जो हम देखने वाले हैं वो है आपका
प्लाज्मा। प्लाज्मा आपको पेल येलोइश कलर का नजर आएगा और 55% परसेंटेज होती है इसकी। अब इसमें फर्स्ट नंबर पर आपको इसमें 90 से 92% के आसपास इसमें क्या मिलेगा, वाटर। देन इसके बाद इसमें प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे सॉल्ट्स। सॉल्ट के अंदर जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट, ठीक है, मिनरल सॉल्ट हम इसको बोल देते हैं। नाउ इसके बाद यहां पर प्रेजेंट होंगे न्यूट्रिएंट्स के अंदर ग्लूकोज, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, फैट, फैटी एसिड। फोर्थ नंबर पर यहां पर मिलेंगे आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर जो भी हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहे हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, क्रिएटिनाइन, तो ये सब आपको इसमें मिलेंगे। फिफ्थ नंबर पर यहां प्रेजेंट होते हैं हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, एंड सिक्स यहां प्रेजेंट है आपकी एंटीबॉडीज, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनो ग्लोबुलिन, ब्लड प्रोटीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, एमसीक्यू में ये पूछे जाते हैं ब्लड प्रोटीन के बारे में, ब्लड प्रोटीन। तो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम ब्लड प्रोटीन बोल देते हैं। ब्लड प्रोटीन में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है, जैसे कि एल्बुमिन, सेकेंड है ग्लोबुलिन। एल्बुमिन का फंक्शन होता है वाटर को रिटेन करना, ये ब्लड के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन को बना के रखता है एल्बुमिन, ठीक है। ग्लोबुलिन का फंक्शन होता है बच्चों, इससे बनती है एंटीबॉडीज, देखो यहाँ पे लिखा है इम्यूनोग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन मतलब ये एंटीबॉडीज बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है इट इज मेड अप ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन, क्लियर। नाउ फिर है इसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। तो ये सारे प्रोटीन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनको बनाता कौन है, इज सिंथेसाइज बाय लीवर। कौन बनाता है इनको, लीवर, इनको लीवर बनाता है और ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लड में और भी कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे एंटी कोगुलेशन वाले केमिकल, जैसे इसको हम हेपरिन बोल देते हैं, जो ब्लड को हमेशा एक लिक्विड स्टेट के अंदर रखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, और प्लाज्मा में आपको इतने सारी चीजें मिलती है। यही रीजन होता है कि मोस्टली जब भी हम कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है तो हम ब्लड का टेस्ट सबसे पहले होता है, इसको हम सीबीसी टेस्ट बोलते हैं, राइट, क्योंकि उसमें आपको हर चीज मिल जाएगी। उसमें आपको वाटर की कंसेंट्रेशन पता चल जाएगी, वाटर कितना है, सॉल्ट कौन कौन से एब्सेंट है, कौन कौन से प्रेजेंट है, या किस कौन सी सॉलिड प्रोफाइल जो है वो आपकी बॉडी में कम चल रही है। न्यूट्रिएंट्स का पता चल जाएगा, हॉर्मोन्स का पता चल जाएगा, थायराइड हार्मोन कहाँ से चेक किया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन, TCA, ये सारे ब्लड से चेक होते हैं। एंजाइम्स पता चल जाएंगे, विटामिन पता चल जाएंगे, एंटीबॉडीज, इवन एलर्जी कंडीशन के बारे में भी अगर आपको पता करना है तो ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, और बाकी है ब्लड। Now, अब सेकंड हम चलते हैं, ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल्स का। तो सेल्स में क्या क्या है, सेल्स की अगर हम बात करें, ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें, ब्लड सेल्स, तो सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी RBC। RBC को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट क्या नाम होता है इसका, एरिथ्रोसाइट। और आरबीसी जो है इसका जो शेप होता है वो 7-8 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, 7-8 माइक्रोन। जनरली जो मैमिलियन आरबीसी होती है वो आपको डिस्पाइडल नजर आएगी, कैसे नजर आएगी, डिस्पाइडल इन शेप, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसका शेप सेंटर से डिप्रेस होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डिस्पाइडल शेप, डिस्पाइडल शेप, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इस वजह से इसको बोला जाता है ई न्यूक्लिएटेड। तो मैमिलियन आरबीसी लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होगा इसमें। दूसरा,
इसका जो शेप है वो कैसा नजर आएगा आपको, डिस्कॉइडल बाय कॉन्केव शेप, और कई एनिमल्स के अंदर ये आपको इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो ये कॉन्केव शेप में भी नजर आएगी। और उस एनिमल्स के अंदर आते हैं आपके जैसे मोस्टली जैसे बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, तो इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ आरबीसी काउंट, आरबीसी काउंट का मतलब कि आरबीसी कितनी प्रेजेंट होती है। तो आरबीसी काउंट की अगर हम बात करें, आरबीसी काउंट तो नॉर्मली आरबीसी का जो वैल्यू होता है वो 4 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ये प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर आपको 4 to 4.5 मिलियन आरबीसी मिलेगी। ठीक है, आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है ये 120 डेज होता है, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी 120 डेज का इसका लाइफ स्पान। ठीक है, नाउ आरबीसी जब बॉडी में जब आरबीसी की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एनीमिया। इसको हम क्या बोल देते हैं, एनीमिया बोल देते हैं। जब ये एक्सेस हो जाती है, मतलब जैसे इसकी वैल्यू दे रखी है हमने 4.5, ये की लिमिट है, अगर इससे भी बियॉन्ड द लिमिट अगर ये जाती है तो उसको हम बोल देते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, द टर्म इज यूज एरिथ्रोसाइटोसिस व्हेन द नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज इन ब्लड। ठीक है, और अगर आरबीसी कम हो रही है ब्लड में तो उसको या तो हम एनीमिया बोल देंगे, या फिर वो तो एक एनीमिया जो है वो एक एबनॉर्मलिटीज हो गई, वो तो क्या एक एबनॉर्मलिटी है। बट अगर हम बात करें कि अगर जनरली कम हो रहे हैं, थोड़ा सा कम हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइटोपेनिया, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है एरिथ्रोसाइटोसिस का मतलब इंक्रीज और एरिथ्रोसाइटोपेनिया का मतलब डिक्रीज इन द ब्लड। ठीक है, नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आरबीसी का फंक्शन क्या, आरबीसी क्या रोल प्ले करती है ब्लड के अंदर। तो आरबीसी का जो रोल होता है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी गैसेस, किसका ट्रांसपोर्ट करना, एक्सक्रीटरी गैसेस और रेस्पिरेटरी गैसेस। एक्सक्रीटरी गैसेस का मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेटरी गैसेस का मतलब जैसे ऑक्सीजन। Yes. तो फंक्शन की अगर बात करें तो आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है, व्हाई आरबीसी इज रेड, रेड कलर ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीम यहाँ पर होता है, हेम को बोलते हैं आयरन को, किसको बोलते हैं आयरन, और ग्लोबुलिन क्या है यहाँ पर, प्रोटीन। ग्लोबुलिन क्या होता है बच्चों यहाँ पर, प्रोटीन होता है, तो ये पूरा कंबाइन बन जाता है हीमोग्लोबिन। इसमें चार हेम मॉलिक्यूल्स होते हैं और चार ही ग्लोबुलिन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी होती है, अगर किसी पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन 50 mg/dL है, 100 ml है, हीमोग्लोबिन चेक करवाया कभी, नहीं करवाया होगा, तो हीमोग्लोबिन चेक करवाते रहना चाहिए। हीमोग्लोबिन से हमें पता चलता है कि हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि यही जब हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बॉडी ऑक्सीजन कैपेसिटी। राइट, अब कैसे इंक्रीज होती है, जो 1 ml ऑफ 1 mg ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपके 1.5 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। कितनी ऑक्सीजन कैरी करता है, यस, अगर किसी पर्सन के 50 mg/dL हीमोग्लोबिन है तो उसका 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऑफ ऑक्सीजन को क्या करेगा यहाँ पर, कैरी करेगा। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, रिवर्सिबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है इसमें, रिवर्सिबल, और इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, और एटम्स कितने हुए, 8 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के, 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या हो गया, पहला फंक्शन है इसका
आरबीसी कैरी कैरी रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम लंग्स टुवर्ड्स पेरिफेरल एंड वाइस वर्सा। ये इसका फंक्शन, ठीक है। बाकी का हम आई होप सबको समझ में आ गया होगा।